भारत का संविधान अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14, राज्य किसी नागरिक के खिलाफ सिर्फ धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। तो भारत में ट्रांसजेंडर्स को अपने न्यूनतम बेसिक राइट्स के लिए जो दर दर भटकना पड़ता है, ठोकरें खानी पड़ती है, हेल्थ इश्यूज से लेकर उनके बच्चा अडॉप्ट कर पाने तक के ख्वाब के लिए कहाँ है राइट टू इक्वालिटी? कहाँ है इक्वालिटी के दावे? संविधान का अनुच्छेद 14 कहाँ है? हेलो हेलो, मैं हूँ कनु प्रिया और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी का शो कानून प्रिया। आज मेरे पास सिर्फ सवाल हैं, सवाल जैसे कि किसी भी इंसान को सिर्फ उसके लिंग के आधार पर किस तरह से किसी भी एक प्रोसेस में ज़्यादा मशक्कतें करनी पड़ती है, उनकी लिंग की वजह से उन्हें सड़कों गलियों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक जलील होना पड़ता है, उनके लिंग की वजह से उन्हें अपने बेसिक राइट्स के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है कि वो खपने लगते हैं, कई बार जिंदगी भर के स्ट्रगल के बाद भी उन्हें चैन से जीने का आराम तक नहीं मिल पाता। हम बात कर रहे हैं यहाँ ट्रांसजेंडर्स की, वो लोग जो समाज के बनाए लड़का लड़की बाइनरी में फिट नहीं होते, वो लोग जिन्हें समाज के द्वारा धकेल कर एकदम किसी किनारे पर छोड़ दिया गया है, वो लोग जिनकी बात जस्टिस सिस्टम तक को बड़ी देर से समझ आती है लेकिन इतनी समझ अब तक नहीं आई कि उनके मौलिक अधिकार की पुष्टि कर सकें, उसे गारंटी कर सकें। आज हम उन तमाम अधिकारों के बीच बात करेंगे ट्रांसजेंडर्स के बच्चे अडॉप्ट कर पाने के हक की। शुरू करते हैं उस केस से जिसका जजमेंट हाल में आया और उसी से इस एपिसोड का आइडिया भी। केस है रीना किन्नर एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर। बनारस में रहने वाली रीना एक ट्रांसजेंडर महिला है। उन्होंने साल 2000 में सारे विधि विधान से शादी की। कुछ दिनों बाद उन दोनों का ये फैसला था कि अब अडॉप्ट करते हैं। ये ख्याल आने के बाद वो सब रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट वाराणसी के पास पहुंचे अपने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए। उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन पहले ही दे दी थी लेकिन उस पर कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ था। उनसे ये पहले ही कह दिया गया था कि अडॉप्शन के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, लेकिन उनकी शादी रजिस्टर नहीं की गई इस दलील के साथ कि उन दोनों में से एक ट्रांसजेंडर हैं। इसकी देरी थी कि वो हाईकोर्ट पहुँचे, अलाहाबाद हाईकोर्ट। उन्होंने एक पिटिशन फाइल किया ये मांग करते हुए कि मैरिज रजिस्ट्रार को ये आदेश दिया जाए कि उनकी शादी जल्द से जल्द रजिस्टर करें ताकि वो अडॉप्ट कर सकें। अब मैं इस केस को कुछ वक्त के लिए किनारे रखकर ये पूछना चाहूँगी कि क्या एक ट्रांस व्यक्ति शादी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। 2019 में ट्रांस प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट के हवाले मद्रास हाईकोर्ट के एक जज ने एक केस के फैसले को सुनाते वक्त ये कहा, ब्राइड टर्म हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ट्रांस महिलाएं भी शामिल हैं, साथ ही हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में ये साफ साफ लिखा है कि एक हिंदू धर्म मानने वाले पुरुष और एक हिंदू ट्रांस वुमन के बीच विवाह एक वैध लीगल विवाह है और मैरिज रजिस्ट्रार इसे रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकते। तो अगर रीना किन्नर के केस पर वापस लौटें तो सबसे पहला सवाल ये कि मैरिज रजिस्ट्रार ने शादी को रजिस्टर करने से मना कैसे किया और क्यों? इसका जवाब सिर्फ इतना है कि कानून होने के बावजूद हमारा समाज ये बात मानने से इनकार करना नहीं छोड़ता है कि ट्रांसजेंडर्स किसी भी आम इंसान की तरह ही इंसान हैं, किसी भी कीमत पर किसी से कमतर नहीं। खैर, अलाहाबाद हाईकोर्ट के एक बेंच ने कंप्राइजिंग जस्टिस डॉक्टर कौशल जयेंद्र ठाकर एंड जस्टिस विवेक वर्मा ने 20 फरवरी 2022 को रीना किन्नर अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स में फैसला सुनाते हुए ये कहा कि एक बच्चे को गोद लेने के लिए विवाह प्रमाण पत्र मैरिज सर्टिफिकेट एक अनिवार्य शर्त नहीं है, यानी ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि एक सिंगल पेरेंट भी एक बच्चे को गोद ले सकते हैं। अपने जजमेंट में आगे अलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि बच्चे को गोद लेने के लिए शादी और मैरिज सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी नहीं है। अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 7 और 8 के तहत ये बहुत क्लियर है कि एक हिंदू मेल और हिंदू फीमेल बिना शादी या मैरिज सर्टिफिकेट के भी अडॉप्ट
कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ फिर उठता है, आखिर ट्रांसजेंडर्स को कब तक इस तरह से कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे? अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में जिस तरह से अडॉप्शन का हक सिर्फ मर्द और औरत को दिया गया है, इसमें ट्रांसजेंडर्स शामिल क्यों नहीं किए गए हैं अब तक? ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट में भी अडॉप्शन को लीगलाइज करने की बात क्यों नहीं है? क्या ये सिर्फ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है? और है तो फिर क्या ये समस्या अनुच्छेद 14 को किसी भी कीमत पर राइट टू इक्वालिटी का जो दावा करता है, क्या ये उसका उल्लंघन नहीं है? हमने बात की सोनाली डालवी से। सोनाली खुद एक ट्रांस महिला हैं, महाराष्ट्र से हैं और ट्रांस राइट्स एक्टिविस्ट हैं। सुनिए उन्होंने हमसे बात करते वक्त किस तरह से अपना दिल खोल कर रख दिया। तो कुछ साल पहले की बात है, जब मेरी ट्रांस फ्रेंड, उसने एक सेक्स वर्कर वुमेन्स की बच्ची अडॉप्ट की थी, क्योंकि लीगली अडॉप्ट नहीं की थी उस, मतलब उसकी माँ ने बोला कि अगर मेरे पास रहेगी सो शी विल बिकम अ सेक्स वर्कर। ओके, तो वो बच्ची, वो लड़की थोड़ी थोड़ी बड़ी होगी, तो एक एनजीओ की औरत आई एंड शी सेड लाइक, मैं आपको आपके बच्ची को ना अच्छे से पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, ABCD सिखाऊंगी, टेबल पढ़ने बताऊंगी, और ऐसे करके वो बच्ची को लेके गई और कुछ दिन उसने पढ़ाया लिखाया। और उस टाइम पे उस लेडी ने पुलिस स्टेशन में उस बच्ची को लेके गई और बोली कि ये हिजड़े बच्चे चुराते। कैन यू इमेजिन? नो। जबकि वो बच्ची रो रही है कि वो ट्रांस, मेरी माँ है, वो ट्रांस बोली मेरा ही बच्चा है, पर लीगली कैसे बताएगी? बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं ट्रांसजेंडर के साथ कि लीगली कैसे, मतलब ये मेरी इसमें बहुत सारी ट्रांस है जिन्होंने बच्चे अडॉप्ट करके, गर्ल्स को अडॉप्ट करके उनकी शादी भी करवाई है। जी जी, लोगों को लगता है LGBTQ कम्युनिटी ने बच्चे अडॉप्ट किए तो बच्चा वैसे ही होगा। नो वे, वी आर बॉर्न दिस वे, पीपल शुड अंडरस्टैंड इट। मतलब आज भी हमारे इंडिया में क्रिमिनल्स हो, रेपिस्ट हो, उसको एजुकेशन का राइट्स है, उसको शादी करने का राइट्स है, बच्चे अडॉप्ट करने का राइट्स है। हमने ऐसा क्या गुनाह किया है जस्ट बिकॉज वी आर बॉर्न दिस वे? अडॉप्शन के मामले में बहुत सारी आज भी बहुत दिक्कतें आती हैं ट्रांसजेंडर को। लीगली तो है ही, क्योंकि कानून हमारे मतलब हमारे मदरहुड को समझ नहीं पाता। मतलब मैं एक माँ हूँ एक बच्चे की, मैं ऐसा नहीं सकी। एंड व्हेन ही केम आउट टू हिज पेरेंट्स वाज नॉट एक्सेप्टेड एज अ की। तो यू वेंट फॉर एन अडॉप्शन? नो, इन LGBTQ कम्युनिटी वी हैव अ राइट टू चूज एंड मेक आवर ओन फैमिली, राइट? Even in the Hijra community also, in the oldest ethnic tranche in the community. Yeah. Like, we have the Guru Chela Parampara. We don't have the blood relationship. But saadi ke ek ek dhaagon ka to rishta hota hai na humara. Ji, 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 bilkul. Hai na? Bilkul. So, ye bhi logo ne samajhna chahiye. Zara socho, jahan pe heterosexual society ke bache maa bap ko anath ashram dalte hai, hum log सेक्स वर्क करते हैं, भीख मांगते हैं, पर हम हमारे गुरु को हम कभी बाहर नहीं भेज। हैव यू सीन एवर अ ओल्ड एज ट्रांसजेंडर ऑन सिग्नल्स और रोड? नहीं दिखेंगे। नो नो, क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि हम कुछ भी करेंगे चाहेंगे, क्योंकि हमारी गुरु हमारी माँ है, उससे हमें माँ का प्यार दिया। कहीं ना कहीं हेटरोसेक्सुअल सोसाइटी ने समझ लेना चाहिए। फॉरगेट अबाउट सेक्शन 377, अगर आप ट्रांसजेंडर रिकॉग्नाइजेशन या किसी भी ट्रांस को सिग्नल पे पूछो कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज रहा है, वो बोलेगी मैं सड़क पे ही हूँ, ना मुझे किसी ने आज तक नौकरी दी, ना पेंशन दिया, ना कोई फैसिलिटीज दी है। ग्रास रूट की जो है वो आज भी वही के वही है। जी जी, है ना? जी। और कब तक हमारे जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा ये भी नहीं पता। पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स में, कॉलेजेस में, भारत के अलग अलग गलियों कूचों में क्या आपको नजर आते हैं ट्रांस पेरेंट्स? क्यों नहीं आते नजर? ये सवाल एक बार के लिए भी जहन में आपके कौनता क्यों नहीं? मैं उम्मीद करती हूँ कम से कम आप ऐसे सवाल पूछने तो शुरू करेंगे, पूछना दूर इस पर सोचना तो शुरू करेंगे।
हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखते रहिए और नारी। शुक्रिया।